आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 0, 1 एंड पैरेलल टू द प्लेन दैट इज x + 2y is equal to 0 and 3y - z is equal to 0 is. तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, दो प्लेन की इक्वेशन दैट इज x + 2y is equal to 0 और दूसरा प्लेन है 3y - z दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो पहला प्लेन है हमारा, ठीक है, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 और 2, ठीक है। तो इसके जो b1 के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो कितने हैं हमारे, i cap + 2j cap, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले के कितने, b2 मान लेते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू, और जे इस यहाँ पे k cap तो 0 तो उसको नहीं ले रहे, ठीक है, तो यहाँ पे i cap 0 है उसको नहीं ले रहे, प्लस में 3j cap माइनस में k cap, ठीक है, ये हो गए। अब जो हमारी लाइन है इन दोनों वेक्टर्स के क्या है, पैरेलल, इन दोनों वेक्टर्स के क्या है, इन दोनों प्लेन के क्या है, पैरेलल। तो यानी कि जो हमारा लाइन का डायरेक्शन रेशियोज होगा वो इन दोनों प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके बराबर होगा। तो n वेक्टर इज इक्वल टू b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, ये हो गया मैट्रिक्स हमारा, i j के लिखेंगे इसमें फर्स्ट रो में i j k, b1 वेक्टर इज i कैप, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो गया हमारा j, तो ये हो गया 2, k 0, यहाँ पे i 0 है, ये हो गया 3 - 1, ठीक है। तो n वेक्टर निकालेंगे इसका क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा i कैप दैट इज ये होगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, माइनस टू माइनस जीरो, तो -2 बचेगा, माइनस जे कैप ब्रैकेट में, तो ये हो गया -1, ठीक है, प्लस में के कैप ब्रैकेट में, तो ये हो गया 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में 2i cap + j cap + 3 k cap, ठीक है, ये n वेक्टर के बराबर है, n वेक्टर दैट इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे n वेक्टर ये है और हमारा पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट इज 3, 0, 1, तो यहाँ पे कार्टीजन इक्वेशन क्या आएगी हमारी, कार्टीजन इक्वेशन, क्योंकि कार्टीजन इक्वेशन में क्या दे रखे हैं ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू x - 3, पासिंग पॉइंट इज 3, 0, 1, x - 3/-2, दैट इज इक्वल टू y - 0 डिवाइडेड बाय j कैप इज 1, दैट इज इक्वल टू z - 3/1, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्या, कार्टिजन इक्वेशन, x - 3/-2 दैट इज इक्वल टू y / 1 दैट इज इक्वल टू z - 3/1, ठीक है, दैट इज आवर आंसर। तो हमारा आंसर ये हो गया, दैट इज आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x - 3/-2, y / 1, z - 3/1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ दिस, ठीक है, तो नन ऑफ दिस इज आवर करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।